हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हाईटेक हिंदी चैनल। दोस्तों, रिमोट तो हम सभी के घर में होते हैं, चाहे वो एलईडी का हो, एसी का हो, डीटीएच का या किसी और चीज़ का। तो दोस्तों, जब कभी भी हमारा कोई भी रिमोट काम नहीं करता तो हम सबसे पहले उसके सेल चेंज करते हैं, और अगर उसके बाद भी वो वर्क नहीं करता तो हमें ये कंफर्म करने के लिए कि हमारे रिमोट में प्रॉब्लम है या हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो हमें रिमोट को नया लेना पड़ता है या रिमोट टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है। बट आजकल मार्केट में रिमोट टेस्टर तो मिलते नहीं हैं, तो ऐसे में हमें नया रिमोट लेकर ही चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी रिमोट चेक कर सकते हैं कि वो सही है या ख़राब। तो दोस्तों, ऐसी ही टेक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मेरे पास कुछ रिमोट हैं जिसमें है एक एलईडी का, एसी का और डीटीएच का। तो ये सभी रिमोट मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि ये रिमोट सही है या ख़राब है। तो दोस्तों, हमारे जो रिमोट होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का रिमोट हो, उसमें एक सेंसर लगा रहता है, आईआर सेंसर होता है, इंफ्रारेड सेंसर। तो इसमें से कुछ रेंज निकलती हैं जो कि हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देती। जब भी हम इसके बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें से रेंज निकलेंगी, बट हम इसे नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते। दोस्तों, रिमोट को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन का जो है कैमरा ओपन करना है। दोस्तों, मेरे फ़ोन का कैमरा ओपन है क्योंकि इसमें वीडियो बन रही है। तो कैमरा ओपन करने के बाद आपको जिस भी रिमोट को चेक करना है, उस रिमोट को आपको कैमरे के आगे जाना है और बटन को प्रेस करना है। ये देखिए, मैं प्रेस करता हूँ। ये देखिए, प्रेस करने के बाद इसमें एक लाइट जल रही है। ये इंफ्रारेड रेंज है जो कि हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देगी, बट कैमरे में से हमें ये दिखाई दे रही है। तो इससे ये पता लग जाता है कि हमारा जो रिमोट है वो वर्क कर रहा है, या कोई उसका कोई भी एक आधा स्विच जो वर्क नहीं कर रहा वो भी पता लग जाएगा। जैसे अब ये मेरा डीटीएच का रिमोट है, अब इसमें प्रेस करता हूँ, ये देखिए लाइट जल रही है, बट इसमें ये जो स्विच है ये इसका वर्क नहीं कर रहा। मैं इसे प्रेस करता हूँ, ये देखिए कोई लाइट नहीं जल रही। इसका मतलब ये स्विच वर्क नहीं कर रहा, लेकिन ये कर रहा है। बाकी रिमोट में जो स्विचेज हैं वो काम कर रहे हैं, उससे ये पता लग जाएगा कि आपका रिमोट सही है या ख़राब है। अब ये मेरे पास एलईडी का है, अब मैं इसे भी टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, इसका जो सेंसर है, ये देखिए पुश करने के बाद यहाँ से भी लाइट ब्लिंक कर रही है। ये भी रिमोट हमारा ओके है, किसी भी स्विच को हम प्रेस करके देख रहे हैं लाइट ब्लिंक कर रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप अपने किसी भी रिमोट को अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं बिना किसी टेस्टर के कि वो रिमोट सही है या ख़राब है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।